और ये इस टाइप का आता है दोस्तों, देख साथ में मिक्स करके डाल लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी में। दोस्तों अभी की फसलें जैसे कि कपास, धान, मूंगफली या सब्जियों में मिर्च, टमाटर हैं, जो भी फसलें हैं इनमें पीलापन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और पीलेपन की वजह से भड़वार तो रुकती ही है, पैदावार पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये पीलेपन की समस्या आती है माइक्रो न्यूट्रेंट की कमी से। तो इसी सीरीज में आज की वीडियो में बहुत ही शानदार मिक्स माइक्रो न्यूट्रेंट बताऊँगी, जिनका आप सभी फसलों में बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है एवरग्रीन का एग्रोमैक्स सकस के बारे में। तो इस सकस को आप अपनी फसलों में किस तरीके से, कब यूज करना चाहिए और कौन कौन सी फसलों में कितनी मात्रा में आप यूज कर सकते हैं, कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों अभी की फसलों में सबसे ज़्यादा जैसे कि कपास, धान, मूंगफली या सब्जियों की फसलें हैं, मिर्च, टमाटर, प्याज वगैरह, माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी से फसलों में पीलापन आता है, बढ़वार रुक जाती है और उसके साथ ही फुटाव ज़्यादा नहीं होता, पैदावार कम होती है। तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन होता है कि आप मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट का यूज करें। मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात की जाए तो एवरग्रीन के एग्रोमैक्स सकस में क्या क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जिंक है, 5% है, क्योंकि जिंक डिफिशियंसी फसलों में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। उसके साथ ही इसमें मैग्नीज आता है, बोरोन है, कॉपर है, फेरस है। और इनकी परसेंटेज की बात की जाए तो इसमें आता है फेरस 2% है, मैग्नीज 1% है, जिंक 5% है, जो कि बहुत ही अच्छी मात्रा में है। फेरस और जिंक की आवश्यकता बहुत ज्यादा रहेगी इस समय। साथ ही बोरोन भी 1% है और कॉपर 0.5% इसमें आता है। एक एक माइक्रो न्यूट्रेंट की बात की जाए, जैसे कि जिंक की बात की जाए तो जिंक की ज़्यादा फुटाव के लिए फसलों में पीलापन आ रहा है, फुटाव ज़्यादा नहीं हो रहा, और जिंक की डिफिशियंसी इस टाइप की सभी फसलों में, जैसे कि कपास, धान, मूंगफली, मूंगफली में पीलापन बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप धान की फसल कर रहे हैं तो ज़रूर यूज कर लेना दोस्तों, कपास में ज़रूर यूज करना है। तो जिंक की अगर कार्य की बात की जाए कि फसलों में इसका क्यों आवश्यकता होती है, तो एक तो बढ़वार के लिए जो ऑक्सिन हार्मोन होती है सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो ऑक्सिन हार्मोन बनने के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। साथ ही क्लोरोफिल बनने के लिए, कार्बोहाइड्रेट बनने के लिए भी जिंक की आवश्यकता होती है, और एंजाइमों को सक्रिय करता है जिंक। तो इस तरीके से बहुत सारे इसके कार्य होते हैं। जिंक की मात्रा बहुत कम होती है फसलों में, आवश्यकता 0.002% की आवश्यकता होती है, लेकिन इसकी कमी क्लियर देखने को मिल जाती है। साथ ही जिंक एक स्थिर पोषक तत्व है दोस्तों, स्थिर यानी कि जब तक फसलों को मिल रहा है तब तक फसलें बिल्कुल स्वस्थ हैं, हरापन है, लेकिन जैसे जिंक की कमी आ जाएगी उसके बाद में जो फुटाव हो रहा है, नई पत्तियां आ रही हैं उनमें इसकी कमी देखने को मिल जाती है। पीलापन अगर फसलों में आ रहा है नई पत्तियों में, तो आप ज़रूर चेक कीजिए जिंक की कमी तो नहीं है। सेकेंड बात की जाए बोरोन की, बोरोन की दोस्तों फसलों में वेजिटेटिव ग्रोथ के समय, यानी ज़्यादा फुटाव, ज़्यादा बढ़वार, क्योंकि सेलवॉल का निर्माण करता है बोरोन, तो वेजिटेटिव ग्रोथ के समय भी आवश्यकता होती है, और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के समय भी, यानी कि जब फ्लावर आ रहे हैं, फ्लावर सेट हो रहे हैं, फ्रूट सेट हो रहे हैं, फलों की साइज अच्छी बन रही है, शाइनिंग आ रही है, हर स्टेज में बोरोन की आवश्यकता होती है, तो इसलिए बोरोन की भी ज़रूरी है, बोरोन को भी आप ज़रूर यूज करें। थर्ड बात करें फेरस, फेरस दोस्तों मैंने एक वीडियो शेयर किया था कि फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट वगैरह, यूरिया है या चूना पानी है, उनका आप स्प्रे करें, बहुत ही ज़रूरी है ये कॉम्बिनेशन। फेरस की भी दोस्तों फसलों में हरापन के लिए, अच्छे फुटाव के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे फेरस के कार्य की बात की जाए तो एक तो जो फलीदार फसलें होती हैं, जैसे कि दलहनी फसलें होती हैं जिनकी जड़ों में गांठें होती हैं, तो गांठों में ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है। उसके साथ ही ये फेरस होता है, ये भी स्थिर पोषक तत्व होता है, यानी कि जब तक मिलता रहेगा फसलों को तब तक इसकी कमी नहीं आएगी। जैसे इसकी कमी आ गई फसलों में, तो ऊपर की पत्तियों में नई फुटाव है, नई जो पत्तियां हैं उनमें इसकी कमी देखने को मिलती है। साथ ही क्लोरोफिल निर्माण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए भी फेरस की बहुत ही आवश्यकता होती है, तो फेरस भी ज़रूर होना चाहिए। इसी तरीके से कॉपर है, मैग्नीज है, इनकी भी फसलों में ज़रूरी है। माइक्रो न्यूट्रिएंट है दोस्तों, कम आवश्यकता है, लेकिन इनकी कमी अगर आई तो फिर क्लियर फसलों में देखने को मिल जाती है। अब बात की जाए दोस्तों कि सकस मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट को आपको कौन कौन सी फसलों में यूज कर सकते हैं, तो सभी प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलें, मिर्च, टमाटर है, प्याज है, सब में आप बेझिझक यूज कीजिए। उसके साथ ही इस टाइम की जैसे
कपास, धान, मूंगफली, इनमें आप यूज कर सकते हैं। जितनी भी अनाज वर्गीय फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं, सब में आप यूज कीजिए। और बागवानी में भी, जैसे कि केला है, पपीता है, और नींबू है, संतरा है, अनार है, सब में आपको बेझिझक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके प्राइस की बात की जाए कि प्राइस वाइज ये बहुत ही सही है दोस्तों, कॉस्टली नहीं है, इसीलिए मैंने आपसे इस वीडियो में डिस्कस किया है इसके बारे में। 5 kg का पैकेट है जिसपे MRP है 640 रुपये, और 450 रुपये में ये आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। साथ ही जब भी आप परचेज करें, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं आपने इसे कितने में परचेज किया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात की जाए कि इसको फसलों में कितनी मात्रा में और कब यूज करना चाहिए। तो बेसल डोज में अगर आप DAP, SSP इस टाइप के फर्टिलाइजर डाल दें जिनमें कि फॉस्फोरस होता है, तो फॉस्फोरस और जिंक का कॉम्बिनेशन नहीं होता, उस समय आप यूज ना करें। फर्स्ट पानी, सेकंड पानी के साथ में जैसे यूरिया वगैरह आप डाल रहे हैं, छिड़काव विधि द्वारा छिड़काव करके डाल रहे हैं, तो उसके साथ में आप मिक्स करके ज़रूर डालिए, या केवल इसी को भी आप डाल सकते हैं। फसल की जब बढ़वार की अवस्था हो, शुरुआती स्टेज हो, तभी आपको इसको यूज कर लेना चाहिए। सिर्फ सॉइल एप्लीकेशन से ही आप इसको यूज कर सकते हैं, इसका स्प्रे आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको मिट्टी में ये डालना है, जड़ों में इसको पहुंचाना है पौधों की। अब अगर धान की बात की जाए तो छिड़काव विधि द्वारा यूरिया के साथ में मिक्स करके डाल सकते हैं, केवल इसी को डाल दीजिए। कपास में भी आप इसी तरीके से डाल सकते हैं, मूंगफली में भी आप इसी तरीके से डाल सकते हैं छिड़काव विधि द्वारा। तो ये इस टाइप की फसलें हैं, आप ज़रूर यूज कीजिए। मात्रा की बात की जाए तो दोस्तों ये 5 kg का पैकेट है जो कि सफिशियंट है 1 एकड़ के लिए, किसी भी क्रॉप में आप यूज कर सकते हैं 5 kg 1 एकड़। अब दोस्तों आपको दिखाते हैं कि ये किस टाइप का आता है, इसको ओपन करके भी आपको दिखाते हैं, और ये देखिए इस टाइप का ये आता है, और ये इस टाइप का आता है दोस्तों। देखिए केवल इसी को डालेंगे तो ये थोड़ा सा दानेदार भी है लेकिन पाउडर भी है, ये मिक्स टाइप का सा आता है दोस्तों। तेज हवा चल रही है तब आप केवल इसी को आप छिड़काव विधि द्वारा ना डालें, क्योंकि तेज हवा में ये उड़ जाएगा। यूरिया वगैरह साथ में मिक्स करके डालें, या फिर आप केवल इसी को डालना चाह रहे हैं तो आप सुबह या शाम के समय डालें, जब हवा तेज ना हो उस समय आप छिड़काव विधि द्वारा डालें। सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो एक एक पौधे में आप चारों तरफ इस तरीके से भी डाल सकते हैं, बागवानी कर रहे हैं तब भी आप एक एक पौधे में आराम से डाल सकते हैं। 1 एकड़ की डोज मैंने आपसे डिस्कस की है, ये एक जो बकेट आती है, एक पैकेट आता है 5 kg का, वो 1 एकड़ में आप यूज कर लीजिए। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।